हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। आज मैं आपके लिए घड़ी के क्वेश्चन लेकर के आया हूं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 8 और 9 के बीच कितने बजे घड़ी की दोनों सुई 8 से बराबर दूरी पर होंगी। मैंने यहां पे एक घड़ी बनाई है समझाने के लिए। उसने बोला है 8 और 9 के बीच, तो एक घड़ी कहां पर होगी? एक घड़ी की सुई होगी 8 पर और एक घड़ी की सुई होगी 9 पर, और इन दोनों के जो बीच की दूरी है वो 8 से बराबर दूरी पर पूछी गई है। ठीक है, ये सवाल है। तो ऐसा प्रश्न कभी भी आपके एग्जाम में आए, वो या तो पहले वाले समय से बराबर दूरी पे पूछेगा, जैसे यहां पे पहले वाले समय 8 से पूछा है, और या फिर बाद वाले समय से भी पूछ सकता है 9 से। दोनों में से, पहले वाले समय से भी पूछ सकता है, बाहर वाले से भी। तो आपको करना क्या है, हमेशा के लिए लिख लेना, हमेशा 60/13 से आपको क्या कर देना है, डिवाइड। क्या करना है, 60/13 से आपको हमेशा गुना कर देना है पहले वाले समय में। बस सवाल का आंसर हो गया, कुछ है ही नहीं सवाल में। अब अगर आपको ऐसा लगता है कुछ है तो आप अभी मुझे बता दीजिए। कोई भी घड़ी का प्रश्न हो जिसमें 8 से बराबर दूरी पे पूछे या 9 से बराबर दूरी पे पूछे, किसी से भी पूछे, आप इन सवालों को कर देंगे। 8 × 48 मतलब 480 हो जाएगा, डिवाइड करना है 13 से। चलिए इसे मैं डिवाइड करूंगा, 13 × 3 = 39 कट जाएगा, 48 में से 39 कट गया, तो 8 × 9 बचेगा, 9 में 0 लगा देंगे 90, 13 × 78, 90 में से कितना कट गया भैया 78, अब 90 में से 78 कट गया कितना बचेगा 12, तो 12/13 हो जाएगा ये। तो ये समय निकल के आया है, और ये समय आपको कब से पूछा है, पहले वाले समय से पूछा, 8 से बराबर दूरी पे होंगी, चाहे वो पहले वाले समय से पूछे चाहे बाद वाले से, जो आंसर आएगा वो हमेशा पहले वाले समय से ही आएगा। यानी कि 8:36 सही 12/13, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना सभी को, देख लीजिए किस ऑप्शन में है। ठीक है, डी ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 3 और 4 के बीच कितने बजे घड़ी की दोनों सुई 3 से बराबर दूरी पर होंगी। अब मैंने यहां पे घड़ी नहीं बनाई क्योंकि जरूरत नहीं है। आपको हमेशा क्या करना है, 60/13 से मल्टीप्लाई कर देना है जो समय पूछा है उससे। यानी कि पहले वाले समय से पूछा तो पहले वाले से गुना, और बाद वाले से पूछा तो बाद वाले से गुना। याद रखना मेरी बात, अभी मैं पहले वाले से करा रहा हूं, जब बाद वाले से पूछेगा ना तो उसमें थोड़ा सा चेंजिंग है। अगर बाद वाले टाइम से अगर उसने बोला ना कि 4 से बराबर दूरी पे क्या होगा, तो उसमें थोड़ा सा चेंज है। वो समझने के लिए वीडियो को थोड़ा पूरा देखिए। अभी यहां तो 3 से बराबर दूरी पे पूछा है, पहले वाले समय से पूछा तो पहले वाले समय से आप यहां मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 60 का मल्टीप्लाई 3 से कर दोगे तो ये 180 हो जाएगा, बटे में आपका 13 है। ठीक है, 13 से कटा दो, 13 × 1 = 13, 5 बचेगा 50, 13 × 3 = 39, 50 में से 39 कट गया 11 बचेगा, 11 ऊपर लिखो, बटे में 13। तो कहां से दिखाएगा, पहले वाले समय से दिखाएगा हमेशा आंसर। यानी कि 3:13 सही 11/13, ये देख लो किस ऑप्शन में है, और यही है आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब। मुझे तो बी ऑप्शन में नजर आ गया, ये मेरे सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 8 और 9 के बीच कितने बजे घड़ी की दोनों सुई 9 से बराबर दूरी पर होंगी। देख लीजिए 8 और 9 में इस बार उसने 9 से पूछा है, बाद वाले समय से पूछा है बराबर दूरी पर होंगी। जब पहले वाले समय से पूछ रहा था हम आसानी से कर रहे थे, अब बाद वाले समय से पूछा है तो मैंने बोला था थोड़ा सा चेंजिंग होगा। जब बाद वाले समय से पूछेगा थोड़ा सा चेंजिंग होगा, वो चेंजिंग क्या है देख लीजिए। आपको 60/13 से मल्टीप्लाई करना है, इतना तो कंफर्म है। जब पहले वाले समय से पूछता है तो पहले वाले से गुना कर देते हैं, अब बाद वाले से पूछेगा तो बाद वाले से गुना कर देंगे। सिंपल यहां तक। अब उसने बाद वाले समय से जब भी पूछेगा, जब भी बाद वाले समय से पूछेगा तो +1 कर देना है आपको यहां पर, बस इतना सा चेंजिंग है। तो 60/13 × 9 में +1 कर देंगे तो ये हो जाएगा 10। अब 60 का मल्टीप्लाई 10 से करो तो ये 600, बटे में कितना हो जाएगा 13। अब 13 से इसको कटा देना है, आंसर आ गया 13 × 52 कट जाएगा, 8 बचेगा 80, 13 × 78 कितना बचा 2/13। तो समय हमेशा पहले वाले से ही दिखाएगा, ये बात याद रखना। अगर उसने बाद वाले समय से पूछा गया कोई बात नहीं, लेकिन आंसर हमेशा पहले वाले समय से ही दिखाएगा। तो 8:46 सही 2/13, ये आपके प्रश्न का हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। देखो किस ऑप्शन में देखेंगे आप, तो बी ऑप्शन में आपको मिल जाएगा, ये प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न,
एक और दो के बीच कितने बजे घड़ी की दोनों सुई दो से बराबर दूरी पर होंगी? दो से यानी कि बाद वाले समय से पूछा है, कोई बात नहीं, 60/13 आपको हमेशा रखना है और इसी में गुना कर देना है। बाद वाले समय से पूछा तो बाद वाले समय से गुना कर देंगे। जब बाद वाले समय से पूछता है तो उसमें हम एक जोड़ देते हैं, और पहले वाले समय से पूछता है तो उसमें हम कुछ नहीं जोड़ते। ठीक है, तो 60/13 गुना दो में जोड़ देंगे एक, तो 3, 60 का मल्टीप्लाई 3 से कर दो तो 180 बटे में कितना 13, डिवाइड दे दो भैया इसको, 13 कम 13 5 बचेगा 50, 13 3 43 11 बचेगा 11/13। जो समय है वो हमेशा पहले वाले समय से ही दिखाएगा, तो पहले वाला समय क्या है आपका 1, यानी कि 1:13 से ही 11/13 मिनट। ये है आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। देखो किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में मिलेगा, डी ऑप्शन सवाल के आंसर का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 3 और 4 के बीच कितने बजे घड़ी की दोनों सुई 4 से बराबर दूरी पर होंगी? 3 और 4 में 4 से पूछ लिया उसने, कोई बात नहीं, 60/13 से आपको हमेशा मल्टीप्लाई करना है। बाद वाला समय पूछेगा तो बाद वाले से मल्टीप्लाई करके उसमें एक जोड़ देते हैं, और अगर पहले वाले समय से पूछे तो उसमें एक नहीं जोड़ते, सीधा पहले वाले समय में मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए 60/13 गुने 4 में जोड़ेंगे एक तो ये 5 हो जाएगा, 6 × 5 = 30 मतलब 300 और बटे में कितना 13। अब 13 से इसमें डिवाइड कर दो भाई, 13 × 2 = 26, 30 में 26 गया 4 बचेगा 40, तो 13 × 2 = 26, 13 × 3 = 39, 23 बार में कट गया, 39 1 बचा बटे में 13। समय हमेशा पहले वाले से ही दिखाएगा, तो पहले कितना बजा हुआ 3:23 1/13। ये क्या है आपके सवाल का है बिल्कुल सही जवाब। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में दिया गया है, डी ऑप्शन आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, घड़ी की मिनट की सुई कितने मिनट में घंटे की सुई को 2 बार मिलाती है? यह सवाल का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें आपको कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी। मैं आपको क्या कह रहा हूं, कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी। जैसे मैं आपको एक चीज समझाता हूं, घड़ी में जैसे मान लो 12 बजे हैं, ठीक है, तो दोनों सुई 12 पे होंगी, और घड़ी में मान लीजिए 1 बजे हैं, घड़ी में मैं मान लेता हूं 1 बजे हैं, तो आप याद रखना जब 12 बजेंगे घड़ी में तो एक दूसरे के ऊपर होंगी, तो उसमें कोई भी मिनट नहीं लगेगा। लेकिन जब 1 बजा होगा तो घंटे की सुई 1 पे, मिनट की सुई 12 पे। अब 12 से जैसे ही मिनट की सुई आगे बढ़ेगी, 12 से जैसे ही मिनट की सुई आगे बढ़ेगी तो 1 पे आने के लिए उसे 5 मिनट लगेंगे। जब मिनट की सुई 5 मिनट आगे खिसकेगी तो घंटे की सुई भी कुछ ना कुछ आगे जाएगी, घंटे की सुई भी कुछ ना कुछ आगे जाएगी, ये बात तो आपको कन्फर्म है। तो घंटे की सुई भी कुछ ना कुछ आगे जाएगी, तो वही समय हमें यहाँ पे निकालना होता है। याद रखना कितना, 5 मिनट तो ये जाएगी और घंटे की सुई भी आगे कुछ ना कुछ जाएगी। तो देख लीजिएगा, याद रखना कि आपकी 5 मिनट तो खिसक रही है मिनट की सुई, और घंटे की सुई भी खिसकेगी, तो 1 बजे या 2 बजे या 12 बजे कितना भी बजे, तो 12 में से 1 कम करके लिख देते हैं हम क्या, 11। तो 5/11 आपके किस ऑप्शन में आ रहा है, 5/11 यानी कि बी ऑप्शन में आ रहा है। क्योंकि पूरा सर्कल जो होता है हमारा वो कितने का होता है, 60 मिनट का होता है, उसमें हम 5 मिनट आगे खिसकेंगे तो इसमें हम जोड़ेंगे 5, ठीक है, और बटे में कितना 11। तो 60 में जोड़ो 5 मतलब 65/11। अब हमारे पास ये 5/11 क्या है, ये हम 5 आगे खिसक रहे हैं, ये हमारा हो जाता है क्वेश्चन 65/5/11। ये सवाल का सही जवाब है। आप इसको मौखिक याद रखिए, कोई भी इसमें आपको कैलकुलेशन नहीं करनी। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि घड़ी की मिनट की सुई कितने मिनट में घंटे की सुई को 2 बार मिलाती है, तो आपको डायरेक्टली याद रखना 65/5/11 मिनट में 2 बार वो मिलाती है, बस डायरेक्टली याद रख लीजिए, कोई फर्क नहीं, समझ गए ना। तो वीडियो में आज की में इतना ही, अगर आपने लाइक नहीं किया है वीडियो को तो लाइक कर दें, और यदि शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर कर दें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।